बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये विंटर 2010 के पेपर 11 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कह रहा है इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस ए एक्स होल पावर 6 वेयर ए इज द कांस्टेंट, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज -30। एक्स का कोफिशिएंट बता रहा है कि -30 है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताना है। तो हमें सबसे पहले इसको एक्स क्यूब तक हमें इसको एक्सपेंड करेंगे। आपको ये पता ही है कि x प्लस वाई होल पावर n जो होता है वो बराबर होता है x पावर n प्लस n सी वन एक्स पावर n माइनस वन वाई प्लस n सी टू एक्स पावर n माइनस टू वाई स्क्वायर, और इस तरह चलता जाता है। तो ये 1 प्लस ए एक्स होल पावर 6 है। तो इसमें आप देखिए कि ये पहले 1 का पावर 6 प्लस 6 सी वन 1 का पावर 5 इंटू ए एक्स और प्लस 6 सी टू 1 का पावर 4 और ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 सी 3 और ये आ जाएगा 1 का पावर 3 और ए एक्स का होल क्यूब। तो ये 1 का पावर 6 होता है 1 और प्लस 6 सी 1 6 होगा 6 ए एक्स प्लस 6 सी 2 जो होता है अगर आप 6 सी 2 करें तो ये 15 आता है 15 और ये आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6c3 20 होता है तो ये होगा 20a³x³। अच्छा, अब ये कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ x इज -30, यानी x का कोफिशिएंट -30 है। इसका मकसद है कि 6a जो है वो -30 के बराबर है, तो a आ गया -5a। अब कहता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x³ का कोफिशिएंट ये है, कोफिशिएंट ऑफ x³20a³ माइनस 5 का क्यूब तो हो जाएगा 20 माइनस 5 हो जाएगा माइनस 125। 20 इंटू माइनस 125 करें तो ये आता है, ये 125 है, ये आता है माइनस 2500।